Hello friends, I welcome to all of you on our YouTube channel. I am Srikanth Kalinder. Friends, in today's video lecture, I am going to discuss with you set 27th December 2020, paper 2nd of Sociology, and this is part 3rd. Last video में मैंने part 1st और 2nd discuss किए हैं, आप वो देख सकते हैं. तो let's start from question number 62. रिजर्वेशन इन जॉब्स हेल्प द SC/ST टू इम्प्रूव देयर सिचुएशन. जो रिजर्वेशन है जॉब्स में वह SC/ST के लिए उनका सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए हेल्प कर रहा है. ट्रू. इन अ डेमोक्रेसी इक्विटी इज मस्ट टू इंश्योर इक्वालिटी. डेमोक्रेसी में इक्विटी होना चाहिए अगर आपको इक्वालिटी को इंश्योर करना है. बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Question number 63. Which of the following books is not written by Carl Mannheim? Carl Mannheim ने इनमें से कौन सा book लिखा नहीं है? Take your time. The correct answer is Sociology of Knowledge. Sociology of Knowledge ये book उन्होंने नहीं लिखा है. वह W. Stark ने 1991 में लिखा है. बाकी के जितने भी book है वह Carl Mannheim ने लिखे है. Diagnosis of Our Time 1944 में. Structure of Thinking 1980 टू में. कंजर्वेटिज्म 1986 में लिखा है. अल्दो ही नोन एज फाउंडर्स ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज बट ही नेवर रिटन ए बुक सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज. वह सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का फाउंडर है बट यह बुक उन्होंने लिखी नहीं है. तो वह बुक किसने लिखी है? W. Stark ने. बहुत बार यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं बट आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है. You must understand the difference between the concept of sociology of knowledge and the book. But उन्होंने दूसरा भी एक book लिखा है, sociology as political education. तो Carl Mannheim German sociologist थे. Question number 64. According to Durkheim, what is the subject matter of sociology? Durkheim के हिसाब से sociology का subject matter क्या है? Take your time. The correct answer is social facts. Durkheim social fact को sociology का subject matter मानते थे. Question number 65. Which of the following is not true about the sample unit? Sample unit के बारे में इनमें से कौन सा option true नहीं है? Take your time. The correct answer is they must be interchangeable. Sample unit interchangeable होने चाहिए क्या? नहीं होने चाहिए. तो बाकी के जितने भी A, B, C जो है यहाँ पे ऑप्शन वह कैरेक्टरिस्टिक है सैम्पल यूनिट्स के. सैम्पल यूनिट्स मस्ट बी चूजन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर. यस. दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. यस. वंस सेलेक्टेड दे कैन नॉट बी डिस्कार्डेड. ट्रू. हु Among the following propounded the alliance theory. Alliance theory इनमें से किसने दिया है? Take your time. The correct answer is Claudia Levi-Strauss. Claudia Levi-Strauss was the father of structuralism. बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर देना है. Who is the father of structuralism? The correct answer is Claudia Levi-Strauss. He has written a book Elementary Structure of Kinship in 1949. In that book, he given the theory of alliance theory. Generally, it associated with structural anthropologist Claudia Levi-Strauss. The theory argues that in kinship system, inheritance and the continuation of a vertical line are less important than the horizontal links alliance and relationships of reciprocity and exchange which are brought about by marriage between different groups. देखो सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताता हूँ अलायंस थ्योरी क्या है. अलायंस थ्योरी ये कहते हैं कि जो फैमिली में किनशिप स्ट्रक्चर में जो वर्टिकल लाइन है ग्रैंडफादर फादर और सन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है वह बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से. यानी कि जब शादी होती है तो एक रिलेशंस ऑफ रिसिप्रोसिटी शादी होते टाइम पे
जो फीमेल होती है उसको हम एक कम्युनिटी में शादी नहीं करते, एक ही कम्युनिटी जो होती है, जो गोत्र होता है उसमें शादी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ इनसे टैबू होते हैं, सिस्टर और ब्रदर का शादी नहीं हो सकता, मदर सन का, फादर और डॉटर का शादी नहीं हो सकता। तो जो इनर सर्कल है अपने फैमिली का उसको छोड़ के हम दूसरे जगह पे शादी करते हैं, तो उससे क्या होता है, सॉलिडेरिटी बढ़ती है और फैमिली रिलेशन स्ट्रांग होता है। और इंसेक्ट टैबू को वो कहते हैं, इंसेक्ट टैबू इज दस ए नेगेटिव प्रेस्क्रिप्शन, विदाउट इट्स नथिंग वुड पुश मेन टू गो सर्चिंग फॉर वीमेन आउटसाइड देयर इनर किनशिप सर्कल और वाइस वर्सा। इंसेक्ट टैबू उनके हिसाब से नेगेटिव प्रेस्क्रिप्शन है, बट वह इम्पॉर्टेंट भी है। अगर वह नहीं होता तो इंसान जो उनका इनर सर्कल है वह छोड़ के दूसरी जगह पे शादी करने के लिए जाते ही नहीं। तो ये उनका एक अलायंस थ्योरी है। वो कहते हैं कि अलायंस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन लिंक से उससे ही किनशिप सिस्टम स्ट्रांग बना है। क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नो मेथोडोलॉजी इम्पसाइजेस ऑन स्टडी ऑफ मैक्रो स्ट्रक्चर इन सोसाइटी। इतनो मेथोडोलॉजी मैक्रो स्ट्रक्चर के ऊपर इम्पसाइज करती है नहीं, इतनो मेथोडोलॉजी माइक्रो स्ट्रक्चर के ऊपर इम्पसाइज करती है, तो ये गलत है। तो बाकी के सब तीनों भी करेक्ट है। इतनो मेथोडोलॉजी एग्जामाइन द फोक मेथड्स करेक्ट। इतनो मेथोडोलॉजी चैलेंजेस एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। यस, जो पार्सन है, कार्ल मार्क्स हो गए, अपने ऑगस्ट कॉम्चे, फिर दुर्खिम, ये सारे लोग ऑब्जेक्टिव रियलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, बट इथ्नोमेथोडोलॉजिस्ट सब्जेक्टिव रियलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। इथ्नोमेथोडोलॉजिस्ट यूजेस इंटरप्रिटेटिव अप्रोच रैदर देन नॉर्मेटिव अप्रोच। नॉर्मेटिव अप्रोच यह नहीं देखते तो वह इंटरप्रिटेटिव अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले इंटरप्रिटेटिव अप्रोच किसने दिया है, मैक्स वेबर ने दिया है, ध्यान रखो, अभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो इथ्नोमेथोडोलॉजी का फाउंडर कौन है, हेरोल्ड गारफिंकेल। उनका 1970 में जन्म हुआ है और 2011 में उनका डेथ हुआ है। ही वाज एन अमेरिकन एथनोमेथोडोलॉजिस्ट, ही वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी। नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पेंशन वाज अनाउंस्ड इन इंडिया इन विच ईयर। ओल्डर पेंशन, ओल्डर पर्सन के लिए नेशनल पॉलिसी इंडिया में कब अनाउंस हुई है, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज 1999। क्वेश्चन नंबर 69, हु अंडरस्टैंड्स एक्शन इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्टिवली इंटरप्रिटेटिव मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन। एक्शन को किसने सब्जेक्टिवली इंटरप्रिटेटिव मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन माना है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, मैक्स वेबर। द प्रोसेस बाय विच एक्टर्स फेल टू रिकॉग्नाइज दैट इट इज देयर लेबर दैट गिव्स द कमोडिटीज देयर वैल्यू। एक कौन सा प्रोसेस है, जिस एक ऐसा प्रोसेस है काम का, जिस काम में अगर कोई वर्कर काम करता है तो कुछ भी वो अगर कमोडिटी वो बनाता है तो उस कमोडिटी में उसका कंसंट्रेशन नहीं होता, वो फेल हो जाता है कि मेरी वजह से इसको एक वैल्यू आ गई है, यह देखने में, यह जानने में फेल हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 71, द प्रोसेस ऑफ इनकल्केशन ऑफ नॉर्म्स वैल्यूज एंड कल्चर इज नोन एज। नॉर्म्स वैल्यूज कल्चर अगर किसी के बीच में इनकलकेट होता है, इंस्टील होता है या इनफिक्स होता है, इम्प्लांट अगर होता है तो किसके द्वारा होता है, टेक योर टाइम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सोशलाइजेशन, देखो सोशलाइजेशन में सोसाइटी के क्या नॉर्म्स है, वैल्यूज क्या है, कल्चर क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें
सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ पोजिशनल एवरेज। ये भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, एक बार पिछले वीडियो देख लीजिए आप। सेंट्रल टेंडेंसी का पोजिशनल एवरेज किसमें देखा जाता है, इसमें क्वेश्चन है, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज मीडियन में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, कार्ल मैनहेम डिस्टिंग्विशेस बिटवीन टू टाइप ऑफ आइडियोलॉजीज। कार्ल मैनहेम ने दो टाइप की आइडियोलॉजी को डिस्टिंग्विश किया है, विच आर दिस टू आइडियोलॉजीज, वह दो आइडियोलॉजी कौन से है, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज टोटल कंसेप्शन एंड पार्शियल कंसेप्शन। हु रोट अबाउट डेथ ऑफ द सोशल, डेथ ऑफ द सोशल किसने बुक लिखा है, टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज बॉड्रिलॉट। देखो कई बार हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डेथ ऑफ द फैमिली यह बुक 1971 में डी कूपर ने यह बुक लिखा है, तो उसके जैसा ही दिखने में तो सिमिलर है। डेथ ऑफ सोशल है जो बॉड्रिलॉट ने लिखा है, और डेथ ऑफ फैमिली कूपर ने लिखा है। बॉड्रिलॉट कौन है, जीन बॉड्रिलॉट 1929 to 2007 was a French sociologist, philosopher. He has given another concepts also, hyperreality and consumer society. Hyperreality and consumer society, ये इनके दो बहुत ही famous concepts हैं। बहुत बार आपको question paper second में sociology के इनके ऊपर question आता है, hyperreality and consumer society. क्वेश्चन नंबर 75, हु आर्ग्यूज दैट मिथ कैन बी ए टाइप ऑफ स्पीच थ्रू विच स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल कुड बी डिस्कवर्ड। कौन कहता है कि मिथ भी एक क्या है, टाइप ऑफ स्पीच है, उसके द्वारा आप स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल को डिस्कवर कर सकते हैं, टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज क्लाउडी लेविस्ट्रॉस। क्लाउडी लेविस्ट्रॉस ने मिथ का बात किया है। क्वेश्चन नंबर 76, मैच द लिस्ट थिंकर्स एंड पर्सपेक्टिव, टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या दिया है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दिया है। बी मैलिनोव्स्की ने कल्चरल फंक्शनलिज्म दिया है। टालकट पार्सन्स ने एनालिटिकल फंक्शनलिज्म, और आर के मर्टन ने एम्पिरिकल फंक्शनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 77, सब सिस्टम है इसमें और फंक्शंस है। ये जो यहाँ पे कार्ल मार्क्स, सॉरी यहाँ पे टालकट पार्सन का AGIL मॉडल जो है, उनको यहाँ पे मैच करना है आपको, टेक योर टाइम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। लॉ किस में आता है, इंटीग्रेशन में आता है। फैमिली किस में आता है, लेटेंसी में आता है। इकोनॉमी किस में आता है, एडॉप्शन में आता है। और पॉलिटी गोल अटेनमेंट में आता है, यहाँ पे डिटेल में हम देखेंगे। टालकट पार्सन का AGIL मॉडल, मॉडल ऑफ सोशल सिस्टम, इट्स सब सिस्टम, फंक्शनल इम्पेरेटिव्स। AGIL, एडॉप्शन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब ये है पैटर्न मेंटेनेंस। एडॉप्शन, जब सोसाइटी को कुछ चीज़ें हैं जो उसके सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वह इकोनॉमी में आता है। उसको कंप्लीट करने के लिए वह, उसको इकोनॉमी की बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ गोल्स होते हैं, उनको अटेंड करना है प्रोग्रेस करने के लिए, तो पॉलिटी की, पॉलिटिकल सिस्टम का ज़रूरत है। और फिर पॉलिटिकल सिस्टम बनाए रखने के लिए लॉ एंड जुडिशरी का बहुत होना जरूरी है। और ये सब वन, इकोनॉमी, पॉलिटी, लॉ एंड जुडिशरी, ये सब बनाए रखने के लिए फैमिली, रिलीजन एंड स्कूल, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से सोसाइटी फंक्शन होता है, ऐसा टालकट पार्सन्स मानते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, ग्लास सीलिंग
इज अ टर्म यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लास सीलिंग. ये जो टर्म है किसके कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करते हो. टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज वीमेन्स प्रोमोशन. देखो जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उन्होंने यह कॉन्सेप्ट लाया है ग्लास सीलिंग का. जो देखते हैं यहाँ पे द ग्लास सीलिंग इज अ मेटाफोर फॉर एन आर्टिफिशियल बैरियर प्रिवेंटिंग वीमेन फ्रॉम बीइंग प्रोमोटेड टू टॉप जॉब्स इन मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में अगर वीमेन्स काम करते हैं तो उनका प्रमोशन ज़्यादा नहीं होता. एक ग्लास सीलिंग वहाँ पे है. ग्लास सीलिंग का मतलब कोई ग्लास का सीलिंग नहीं है. तो वहाँ पे जो अगर मैनेजमेंट में देखेंगे तो जो टॉप के जो मैनेजमेंट्स के जो लोग होते हो बेसिकली मेल होते हैं. मेल डोमिनेटेड होता है उनका मैनेजमेंट. और लेडीज का वहाँ पे वीमेन्स का प्रमोशन जल्दी नहीं होता. तो एक पैट्रियार्चल सिस्टम है तो उसके द्वारा प्रोग्रेस को रोका जाता है वीमेन्स के मैनेजमेंट में. तो ये बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है ग्लास सीलिंग का. रिस्पोंडेंट्स क्वेश्चन नंबर 79. रिस्पोंडेंट्स नेम इज चेंज्ड बट लोकेशन इज नॉट चेंज्ड. दिस सजेस्ट रिस्पोंडेंट का नेम चेंज होता है बट लोकेशन वही हो जाता है. जब आप रिसर्च करने के लिए जाते हो तो वह क्या सजेस्ट करता है. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज ब्रीच ऑफ एनोनिमिटी. एनोनिमिटी का ब्रीच हो जाता है वहां पर. क्वेश्चन नंबर 80. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म. पोस्ट मॉडर्निज्म का कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है. पोस्ट मॉडर्निज्म में इनमें से किस चीज के ऊपर स्टडी नहीं किया जाता. टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज प्रोग्रेस एंड यूनिवर्सलिज्म. यूनिवर्सलिज्म और प्रोग्रेस ये जो चीज़ें हैं. अब आप बी मैरिनोस्की हो गए, रेडक्लिफ ब्राउन या ऑगस्ट कॉम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर, इन सारे लोगों ने प्रोग्रेस और यूनिवर्सलिज्म के बारे में बात किया. बट पोस्ट मॉडर्निज्म चॉस डिफरेंस फ्रेगमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करता है बट प्रोग्रेस और यूनिवर्सलिज्म के ऊपर बात नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 81. Fordist organization is characterized by. Take your time. The correct answer is standardization of commodities. Fordist organization. Fordism क्या है. Fordism Henry Ford जो है, हम जो कार देखते हैं Ford का कार, तो सबसे पहले Henry Ford ने Fordism का invention किया है. Fordism क्या concept है. Fordism एक mass production का concept है. Henry Ford was an American industrialist who revolutionized factory production with his assembly line method. Assembly line method के द्वारा उन्होंने factory production को में क्या किया है, revolution किया है. Fordism is a term widely described the system of mass production that was pioneered in the early 20th century by the Ford Motor Company. Ford Motor Company जो है वो Henry Ford की, उन्होंने Fordism 20th सेंचुरी के फर्स्ट फेज में उन्होंने स्टार्ट किया था. तो वह क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कमोडिटी है और मास प्रोडक्शन है. क्वेश्चन नंबर 82. इरावती कर्वे हैज डिवाइडेड किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इनटू. टेक योर टाइम. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फोर जोन. इरावती कर्वे ने किनशिप को फोर जोन में डिवाइड किया है. तो उनका फेमस बुक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. 1953 में यह बुक आया है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. यह लिख लीजिए. इरावती कर्वे महाराष्ट्रियन सोशियोलॉजिस्ट थी. तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हो. किनशिप ऑर्गेनाइजेशन का डिवाइडेशन फर्स्ट नॉर्दर्न, सेकंड सेंट्रल, थर्ड सदर्न एंड फोर्थ ईस्टर्न जोन.
ये चार जोन उन्होंने बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन हम थोरोली डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।